आप नाश्ता कर लीजिए। Great bit of fielding there, and look, 3 wickets in the over. We've seen that change. New batsman at the crease. ये क्या कर रही हैं आप? मैच नहीं देखा तो हाइलाइट्स तो देखने दीजिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा कौन जीता है कौन हारा? बहुत देख चुके, कोई भी हारे या जीते हमें इससे कोई फर्क पड़ता है? अब आप जल्दी नाश्ता कीजिए। जो आपका हुक्म, क्योंकि आप जैसा चाहेंगे मुझे वैसा करना ही होगा। जी, और यही आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो अब आप नाश्ता कर लीजिए और हमें बताइए कि आप ऑफिस में लंच के लिए क्या लेके जाएंगे। ऑफिस वैसे अगर बीवी आप जितनी खूबसूरत होगी तो ऑफिस कौन जाना चाहेगा? मैं सोच रहा था कि आज छुट्टी ले लूं। कोई जरूरत नहीं है। देखिए आज ऑफिस में कुछ काम भी नहीं है, जो मीटिंग थी वो भी कल के लिए है। वैसे कितना टाइम हो गया हम साथ में लंच में बाहर नहीं गए, तो आज बाहर चलें प्लीज। जी नहीं, बेकार में फिजूल खर्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपनी बीवी को लंच पर बाहर ले जाना की फिजूल खर्ची होती है क्या? और कौन सा हम रोज रोज जाते हैं। चलिए ना आज चलते हैं, प्लीज तैयार हो जाइए। आज सचमुच ऑफिस में कोई काम नहीं है? हाँ बाबा सच कह रहा हूँ, आज कोई काम नहीं है। अब तो जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है, हम किचन का काम खत्म कर लेते हैं फिर चलेंगे। इस रिमोट को क्या हो गया? Great bit of feeling there and... अपने आप ही चैनल चेंज हो रहा है। We've seen that change. New batsman at the crease. Wavell. यहाँ पे तो मसाले रखे थे, चीनी का बर्तन यहाँ कैसे आया? हमने सलवारी में तो दाल और चावल रखे थे, बर्तन यहाँ पे कैसे आ गए? अरे ये सारे बर्तन इतना शोर, क्या हुआ? दीदी पता नहीं सारा सामान इधर का उधर हुआ हुआ है, समझ में नहीं आ रहा आपने क्या सामान की जगह बदली थी। मैं कैसे रख सकती हूँ नंदिनी, तुम्हें तो पता है ना कि कितने दिन से मैं किचन की तरफ भी नहीं आई। फिर अपने आप सब चीजें कैसे? चलो नंदिनी अब बर्तन उठा लेते। जी इस कबूतर खाने से निकलने के लिए मुझे तुम सबको इस घर में भूत होने का एहसास तो दिलाना ही पड़ेगा। हेलो, हम मैनेजर साहब, आज हमारे कंपनी से बहुत बड़ा माल का डिलीवरी होने वाला है। अंबर से कहिए कि वो माल की डिलीवरी खुद करवाए। पर भाई राजा, अंबर साहब तो इस समय ऑफिस में नहीं है और ना ही उनका फोन लग रहा है। अब ठीक है, हम देखते हैं। हुँ?
हाँ मैनेजर साहब, हमें लगता है माल की डिलीवरी करवाने के लिए अंबर टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए हम ही आ रहे हैं। अगर रजुआ फैक्ट्री पहुंच गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, हमका माधव को रोकना होगा। हेलो माधव, हम बोल रहे हैं। अरे चिंता मत करिए ठाकुर साहब, आप ही का काम हो रहा है, बस काम होते ही हम आपको फोन करता हूँ। देखो माधव, हमारी बात ध्यान से सुनो। हमारी बैटरी खत्म हो रही है ठाकुर साहब, हम आपको बाद में फोन करता हूँ। हेलो 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 माधव, लगता है मुझे मुझे खुद जाना पड़ेगा। ए भाई, ए रुक, ए भैया रोको गड़िया, ए ए चलो जल्दी करो जल्दी। सुरई माधव का भी फोन नहीं मिल रहा है। इसको जल्दी जल्दी पैक करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? और ये सब कहा, इसको खत्म करो ना जल्दी, कहा कर रहे हो तुम लोग, जल्दी करो तुम। नमस्ते भाई। नमस्ते, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे वो लोग आ गए डिलीवरी लेने के लिए। बस वो लोग आते होंगे भाई। वो लोग आ गए। अच्छा ठीक है। ठाकुर साहब, आज तो बाल बाल बच गए। ये राजा जब तक यहां पर है तब तक कुछ नहीं हो सकता। कोनो जुगाड़ करके ये रजवा को बाहर भेजना होगा, तब वही कुछ हो सकता है। Thank you.
आग कैसे लग गई? हाँ धनी, अपने आप आग कैसे लग गई? कितनी अजीब बात है। हाँ जीजा जी, आज पता नहीं सुबह से किचन का भी सारा सामान इधर उधर हुआ हुआ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से मेरे साथ भी एक अजीब घटना हुई। मैं टीवी देख रहा था तो चैनल अपने आप ही चेंज हो रहे थे। सबके साथ अजीब अजीब बातें हो रही और मुझे भी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही। मुझे तो लगता है ये ना जरूर भूत प्रेत का मामला है। कादरी तुम भी ना, कोई भी बात कहां से कहां ले जाती है तुम। तुम्हें कुछ नहीं पता? अरे वो अपने पड़ोस में माला नहीं रहती थी, उसके घर में भूत प्रेत थे। अरे उसकी वजह से उसे घर भी छोड़ना पड़ा। मुझे तो लग रहा है हमारे घर में भी कोई भूत प्रेत का वास ना हो। दीदी आप बिना इन भूत प्रेत की बातों में विश्वास रखती हैं? अच्छा ठीक, तू नहीं मानता लेकिन मैं मानती हूँ इन भूत प्रेत को। कादंबरी इन बेकार की बातों पर विश्वास करना छोड़ दो। आज हमारे घर में जो कुछ भी हुआ मेरे ख्याल से बाय चांस हुआ है। और हम इस घर में इतने सालों से रह रहे हैं, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी जहां तुम हो वहां मजाल है कि भूत आ जाए। हंसो तो, उड़ा लो मेरा मजाक। जब इस घर में कोई बड़ी घटना घटेगी ना तब तुम्हें पता चलेगा, लेकिन मैं भूत प्रेत पे विश्वास करती हूँ बस। हंसो हंसो, उड़ा लो तुम मजाक। क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू? अम्मा के आशीर्वाद से हमारे घर में खुशियां लौट आई हैं। तो फिर ऐसी क्या बात है जिससे आप परेशान हैं? ये परेशानी के आंसू नहीं निर्मा, बस अम्मा की याद आ गई इसलिए आंखें भर आई। आज से दो दिन बाद अम्मा की बरसी है निर्मा, उसी दिन अम्मा हम सबको छोड़कर चली गई थी। वो हमसे दूर जाने के बाद भी हम सबके साथ ही है ना, और मुझे पूरा विश्वास है वो जहां कहीं भी है आज अपने बच्चों को खुश देखकर उन्हें आप पर बहुत गर्व हुआ होगा। और इस साल तो उनकी बरसी पर उनकी दो दो बहुएं और दामाद भी शामिल होगी। निलमा हमें आज ही से अम्मा की बरसी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। चले मैडम, वरना होटल में लंच की जगह डिनर मिलेगा। आप चलिए, हम बस दो मिनट में आते हैं। ठीक है, मैं ऑटो लेकर आता हूँ। माफ करना नंदिनी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ देनी पड़ेगी। नंदिनी जल्दी आओ, मैं ऑटो लेकर आ गया हूँ। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? वो बस पेन। अरे अरे क्या हुआ नंदिनी? कुछ नहीं दीदी, वो सीढ़ियों में पैर फिसल गया, पता नहीं कैसे। अरे लगता है तुम्हें तो बहुत चोट लग गई। मैं ना अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। हाँ नहीं दीदी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। दीदी मामूली सी मोचन ठीक हो जाएगी। सुबह से इस घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं तो पहले ही कह रही थी इस घर में भूत का साया है, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानते कहां? तो भगवान इस घर की रक्षा कर।
चलिए उठिए। वैसे आज सुबह से ही घर में अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं। कहीं दीदी की बात सच तो नहीं है? क्या आप भी भूत प्रेतों पे विश्वास करते हैं? हम तो भूत प्रेतों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। वैसे अगर भूत हैं भी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम उनके बहाने में करीब आने का मौका मिल रहा है। क्या हुआ प्रिंस? भूत। आप तो कह रहे थे कि आप भूतों से डरती नहीं हैं। थैंक यू भूत जी। अरे भाई जी। बड़े मालिक, आज हमारे गांव का टिकट बुक करवाना है तो स्टेशन जाकर एक टिकट बुक करवा दो। जी बड़े मालिक। क्या बात है बाबूजी, आप अचानक गांव जा रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? बहू वो दो दिनों के बाद में शांति की बरसी है तो हम गांव जाना चाहते हैं। हमारे खानदान में ये परंपरा है कि आदमी जहां आखिरी सांस लेता है उसकी बरसी वहीं पे मनाई जाती है। अब जेल में थे तो शांति की बरसी जेल में ही मना लेते थे, अब बाहर आ गए तो हम अपनी शांति की बरसी गांव में ही मनाना चाहते हैं। पर हमारी शांति की आत्मा को तनिक शांति नहीं मिलेगी, इसीलिए हम बरसी तक गांव पहुंच जाना चाहते हैं बहू। कुछ मिनट में जोर का धमाका होगा और मेरा काम हो जाएगा। भगवान, इन नंदिनी को भी इतनी जल्दी वापस आना था, अब मैं क्या करूं? अगर खोकर नंदिनी के सामने पड़ गया तो उसकी जान भी जा सकती है। अब क्या होगा भगवान?